हेलो हेलो मेरे भाई लोग, वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों को हमारे चैनल के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 एक्टिव स्किल्स कैरेक्टर इन फ्री फायर आफ्टर अपडेट। तो बिना किसी वक्त चले के वीडियो को शुरू करते छोटे से इंट्रो के बाद। फ्री फायर में एक्टिव स्किल्स वाले कैरेक्टर अपने ओवरपावर्ड कैपेबिलिटीज के कारण हर बार पैसिव स्किल वाले कैरेक्टर्स को मात देती है। सही बात है। इसलिए गेम भी एक्टिव एबिलिटीज वाले कैरेक्टर्स को ज्यादा सुपीरियरिटी देती है। प्लेयर्स एक एक्टिव स्किल कैरेक्टर के साथ 3 पैसिव स्किल कैरेक्टर को जोड़ सकते हैं। कुछ फ्री फायर कैरेक्टर्स HP रिकवरी में कुछ कैरेक्टर्स मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज करने में मदद करते हैं। तो चलिए देखते हैं टॉप 5 कैरेक्टर्स को। चलो भाई देखो अपने क्या है। कैरेक्टर नंबर 5, उकोंग। गेम के मंकी किंग उकोंग के पास कमोफ्लागे नाम का स्किल है जो उसे ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करता है। इसमें थोड़े टाइम के लिए प्लेयर्स एक झाड़ी में बदल सकते हैं और मूवमेंट में थोड़ा स्लाइड स्लगिशनेस के साथ घूम सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा दिया है। ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम अगर यूजर्स किसी भी एनिमी को फायर करने के बाद उकोंग असली रूप में आ जाएगा। हालांकि इसका कूलडाउन टाइम है 300 सेकेंड, जो इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं कैरेक्टर नंबर 4 की तरफ, डिमिट्री। इसका हीलिंग हार्टबीट एबिलिटी एक डिफेंसिव प्ले स्टाइल वाले प्लेयर्स के लिए बहुत ही वाइटल है, क्योंकि ये यूजर्स को और उनके टीममेट्स को एक टेम्पररी हीलिंग जोन के एडवांटेज देता है। वो अपने HP को 3 पॉइंट पर सेकेंड के दौर पर रिकवर करने के लिए जोन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा 3.5 डायमीटर का ये टेम्पररी जोन डाउन किए गए गेमर्स और उनके टीममेट्स को सेल्फ रिवाइव होने में मदद भी करता है। इसलिए डिमिट्री को एक टीम में मेडिक्स के लिए आइडल माना जाता है। ध्यान देते हैं कैरेक्टर नंबर 3 की तरफ, स्काइलर। गेम के सबसे मोस्ट बैलेंस कैरेक्टर है स्काइलर, जिसे प्लेयर्स ग्लो और रिलेटेड कैपेबिलिटीज के लिए यूज करते हैं। इसकी एबिलिटी रिप्टाइड रिदम एक सोनिक वेव क्रिएट करता है, जो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर एक साथ 5 ग्लोअल्स को तोड़ सकते हैं। इसके अलावा प्लेयर्स HP रिकवर कर सकते हैं जब भी प्लेयर्स इसकी एबिलिटी को यूज करके ग्लोअल का यूज करते हैं। रिकवरी 4 HP से स्टार्ट होता है और हर एक ग्लोअल लगाने के साथ साथ काफी बढ़ जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आगे बढ़ते हैं कैरेक्टर नंबर 2 की तरफ, लोक। यकीनन गेम में सबसे पॉपुलर कैरेक्टर है और उनकी एबिलिटी ने एंश्योर किया है कि वो सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। सही बात है। उनकी ड्रॉप द बीट एबिलिटी कुछ टाइम के लिए हीलिंग ऑरा क्रिएट करता है, जो HP रिकवरी के साथ साथ मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज करने में मदद भी करता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये ऑरा यूजर्स के मूवमेंट स्पीड को 10% तक इंक्रीज कर देता है और यूजर्स को 5 HP पर सेकेंड से हील भी करता है। हेलो बढ़ते हैं लास्ट कैरेक्टर नंबर 1 की तरफ, फेयर। ये कैरेक्टर हेल्थ सपोर्ट करने में काफी मददगार है, क्योंकि इसकी एबिलिटी मास्टर ऑफ ऑल प्लेयर्स को मैक्सिमम AP का एडवांटेज देता है। इसकी एबिलिटी के 2 मोड है, जुजुत्सु और साइकोलॉजी। 3 सेकेंड मोड स्विच CD के साथ एक्टिव एबिलिटी के लिए। जुजुत्सु मोड के की 6 मीटर रेंज के अंदर रहते हुए सभी टीममेट की HP से AP कन्वर्जन रेट को बढ़ा देता है। इसके अपोजिट साइकोलॉजी मोड गेमर्स को हार्ट 2.2 सेकेंड के बाद AP रिकवर करके देता है, इसलिए एक और रसिंग के लिए एक एक्सलेंट चॉइस माना जाता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। भले और आज का वीडियो होता है समाप्त। आप लोग कमेंट में बताना इनमें से कौन सा कैरेक्टर आप यूज करते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।